फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक जीनी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं Huawei के सब ब्रांड ऑनर के लॉन्च हुए दो नए स्मार्टफोन्स के बारे में, जो कि है ऑनर 7A एंड ऑनर 7C। वैसे तो ये दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लीक्स, रूमर्स एंड स्पेसिफिकेशंस काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, बट अब ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स की सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि दोनों स्मार्टफोन्स एक तो 10,000 प्राइस रेंज के सेगमेंट में ही लॉन्च किए गए हैं, एंड इसके अलावा इसमें डुअल कैमरा सेटअप भी इंक्लूड किया गया है एंड फेस रिकॉग्निशन फीचर को भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम ऑनर 7A एंड ऑनर 7C के फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन साइज के बारे में बात करें तो ऑनर 7A में 5.7 इंच का स्क्रीन दिया गया है विद IPS डिस्प्ले एंड उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 पिक्सल्स इनटू 1440 पिक्सल्स। जबकि हम ऑनर 7C के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में 5.99 इंच यानी कि लगभग 6 इंच का स्क्रीन दिया गया है एंड उसमें भी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 720 पिक्सल्स इनटू 1440 पिक्सल्स का एंड इसमें भी IPS डिस्प्ले दिया गया है। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में एस्पेक्ट रेशियो है 18:9 का। तो प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ऑनर 7A में ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 430 का चिपसेट, जबकि ऑनर 7C में भी एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर दिया गया है बट उसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का चिपसेट यूज़ किया गया है। एंड रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ऑनर 7A में 3GB रैम दिया गया है विथ 32GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। हालांकि इसमें और एक वेरियंट है 2GB रैम वाला बट वो इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है। एंड अगर हम ऑनर 7C के बारे में बात करें तो इसमें दो डिफरेंट वेरियंट हैं जो कि है 3GB रैम के साथ 32GB का इंटरनल स्टोरेज एंड 4GB रैम के साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स में आप मेमोरी कार्ड से 256GB तक मेमोरी को एक्सपेंड कर सकोगे। तो चलिए अब OS के बारे में बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन्स विल रन ऑन एंड्रॉयड ओरियो 8.0। तो चलिए अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लो बजट स्मार्टफोन्स में ऑनर ने फर्स्ट टाइम डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, बट देखने वाली बात यह है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। तो इसके स्पेसिफिकेशंस ये है कि इसके रियर पैनल में जो डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है उसमें से उसका मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का एंड सेकेंडरी कैमरा है 2 मेगापिक्सल का एंड इसका फ्रंट कैमरा है यानी कि सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। एंड ऑफकोर्स इसके कैमरा में जियो टैगिंग, फेस डिटेक्शन, ब्यूटिफिकेशन फीचर्स तो इंक्लूड किए ही है। देन साथ में फ्रंट कैमरा से आप फेस रिकॉग्निशन भी यूज़ कर सकते हो जिससे आपका फ़ोन अनलॉक होता है। तो बैटरी के बारे में बात करें तो अगेन ये दोनों स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है कि ये दोनों स्मार्टफोन्स में 3000 mAh की बैटरी दी गई है एंड ये दोनों स्मार्टफोन्स डुअल सिम सपोर्ट करेंगे। तो चलो अब ये दोनों स्मार्टफोन्स के कनेक्टिविटी एंड सेंसर्स के बारे में बात करें, विच इज़ अगेन सिमिलर कि दोनों स्मार्टफोन्स में ऑफकोर्स 4G LTE कनेक्शन तो दिया ही गया है, वाईफाई डायरेक्ट है, वाईफाई 802.11ac है, ब्लूटूथ वर्जन 4.2 दिया गया है, माइक्रो USB पोर्ट इंक्लूड किया गया है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया गया है। एंड सेंसर्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली दोनों स्मार्टफोन्स के रियर पैनल में फिंगरप्रिंट सेंसर को इंक्लूड किया गया है एंड इसके अलावा इसमें एम्बियंट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है एंड एक्सेलेरोमीटर भी इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दोनों स्मार्टफोन्स 10,000 प्राइस की कैटेगरी में लॉन्च किए गए हैं, तो ऑनर 7A का प्राइस सेट किया गया है 8,999 विच इज़ ऑलमोस्ट 9,000 एंड ऑनर 7C का 3GB रैम एंड 32GB का इंटरनल स्टोरेज का प्राइस सेट किया गया है 9,999 विच इज़ ऑलमोस्ट 10,000 एंड जो 4GB रैम है एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट है उसका प्राइस सेट किया गया है 11,999 विच इज़ ऑलमोस्ट 12,000। तो अगर हम लोग ऑनर 7C के प्राइसिंग के बारे में देखें तो ऐसा लगता है कि ये स्मार्टफोन के प्राइसिंग एग्जैक्टली ऑनर 9 लाइट जैसे ही रखे गए हैं। खैर अगेन ऑनर ने ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है तो अगेन ये शाओमी रेडमी नोट 5 एंड रेडमी नोट 5 प्रो को एक कॉम्पिटिशन दे सकते हैं। तो अब इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो ऑनर 7A विल बी एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट फ्रॉम 29th में, जबकि ऑनर 7C है वो एक्सक्लूसिवली अमेजोन पे अवेलेबल रहेगा फ्रॉम 31st में। ये दोनों स्मार्टफोन्स का सेलिंग दोपहर 12 बजे से चालू होगा। तो फ्रेंड्स ये थी बात Huawei ऑनर 7A एंड Huawei ऑनर 7C के बारे में। एंड अगर आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जीनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।